मेरा नाम गगनदीप सिंह है जी। मैं आम आदमी पार्टी का स्पोक्सपर्सन हाँ तो ऑर्गनाइजेशन बिल्डिंग का को इंचार्ज हाँ पंजाब का। देखो जी जिहड़ा पंजाब दे विच मीटू वाला इंसीडेंट आया उसते मैं तुहाडे निगाह दे विच तीन चीज़ां लैके आना चाहुंदा जिहड़ियां बहुत जरूरी ने। पहली गल कि एक बहुत ही शर्मसार इंसीडेंट है कि एक मंत्री ने एक IAS अधिकारी महिला नूं रात नूं आपत्तिजोग SMS भेजे तो बहुत ही शर्मसार है। इत्थों इन्हां दी पार्टी दी मानसिकता दा ते सोच दा पता लगदा। तो दूजी गल इस ते साडे CM साहब की गंभीरता का भी पता लगता कि उन्होंने इहदा हल ये समझिया कि उन्होंने माफ़ी मंगाई। असी की एग्जाम्पल दे रहे हैं अपने यूथ नूं कि तुसी किसी भी महिला दे नाल कोई भी बदतमीजी कर सकते हो तो बाद चो माफ़ी मंगा दिती जाएगी। जबकि उन्होंने एक एक्शन लेना चाहिदा सी ते एक एग्जाम्पल सैट करनी चाहिए सी अहिजे मंत्री नूं स्टैप डाउन करा के कि तां कि है। तो जिहड़ी इस दे विच ध्यान रखने वाली गल कैप्टन साहब की नीयत का कितों पता चलता तो उन्होंने डबल स्टैंडर्ड का कितों पता चलता। उन्होंने बयान के हिसाब के नाल उन्होंने इस खबर का पता अक्तूबर पहले वीक ऑफ अक्तूबर या लास्ट वीक ऑफ सितंबर के पता लग गया सी। तो उन्होंने उन्होंने माफ़ी मंगाना ठीक समझिया। तो उस तो बाद दशहरे वाले दिन 18 अक्तूबर तुसी अखबारां चक के देख सकते हो कि राजा साहब ने जिहड़ा बयान दिता है कैप्टन साहब ने उहदे विच उह मैनशन करते हैं। उन्होंने तो मी ट्यूब बारे पत्रकारों ने जदों पूछा तो उन्होंने ये कहा कि यह माँ दुर्गा का देश है तो जिहदे विच इह जी मी टू वर्गी इंसीडेंट्स नूं बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए। तो उन्होंने वूमेन इंपावरमेंट से वड्डे लैक्चर भी दिते। तो जबकि उन्होंने 2-3 हफ्ते पहले ही अपने मंत्री की करतूत पता लग गई सी। तो कि यह डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि एक पासे तुहानूं पता कि थोड़ा मंत्री की हरकत कर रहा है तो दूजे पासे तुसी वूमेन इंपावरमेंट दीआं गल्लां कर रहे हो। तीजी गल इहदे विच ध्यान देण लायक यह है कि यह जिहड़ा इन्हां ने इंसीडेंट होया यह सारा एक IAS अफसर महिला नाल होया। तो उसकी आवाज़ पहुँच गई CM साहब तक ता जाके थोड़ी बहुत माफ़ी की भी गल हुई। जे कि किसी आम महिला नाल हुई होंगी तो की ये गल CM तक पहुँचती तो की इस ते माफ़ी मंगाई जाती। शायद मैं ये मानदा कि फिर शायद शोषण भी वध हुंदा आवाज़ भी दवा दिती जाती तो शायद मंत्री जी अपनी हद्दां भी पार करते। तो मैं असी मंग करते हैं आम आदमी पार्टी वालों कि उस बंदे नूं मोरल ग्राउंड से स्टैप डाउन करवाना चाहिए। कैप्टन साहब नूं एक एग्जाम्पल सैट करनी चाहिए। देखो जी मेरे हिसाब नाल साडी जिहड़ी न्याय प्रणाली है वह बहुत स्ट्रोंग है ऑलरेडी उस दे विच कानून ने। बट किते ना किते एक प्रॉब्लम यह आती है कि महिलावां चुप रह जांदियां ने दब जांदियां ने जां डर जांदियां ने। मैं अपील करना चाहुंदा इस चैनल के माध्यम राही कि महिलावां नूं सामने आना चाहिए अपने हकों लई लड़ना चाहिए। जे उन्हां नाल किते कोई शोषण वाला इंसीडेंट हो रहा है तो उन्हां नूं बिल्कुल उस नूं उहदे खिलाफ़ खड़े होकर अपनी एक FIR दर्ज करवानी चाहिए है। देखो पंजाब पहला तो ये IAS अफसर महिला नाल होया है तो उसकी आवाज़ पहुँच गई CM साहब तक ता जाके थोड़ी बहुत माफ़ी की भी गल हुई। जे कि किसी आम महिला नाल हुई होंगी तो की ये गल CM तक पहुँचती तो की इस ते माफ़ी मंगाई जाती। शायद मैं ये मानदा कि फिर शायद शोषण भी वध हुंदा आवाज़ भी दवा दिती जाती तो शायद मंत्री जी अपनी हद्दां भी पार करते। तो मैं असी मंग करते हैं आम आदमी पार्टी वालों कि उस बंदे नूं मोरल ग्राउंड से स्टैप डाउन करवाना चाहिए। कैप्टन साहब नूं एक एग्जाम्पल सैट करनी चाहिए। देखो जी मेरे हिसाब नाल साडी जिहड़ी न्याय प्रणाली है वह बहुत स्ट्रोंग है ऑलरेडी उस दे विच कानून ने। बट किते ना किते एक प्रॉब्लम यह आती है कि महिलावां चुप रह जांदियां ने दब जांदियां ने जां डर जांदियां ने। मैं अपील करना चाहुंदा इस चैनल के माध्यम राही कि महिलावां नूं सामने आना चाहिए अपने हकों लई लड़ना चाहिए। जे उन्हां नाल किते कोई शोषण वाला इंसीडेंट हो रहा है तो उन्होंने बिल्कुल उस नूं उहदे खिलाफ़ खड़े होकर अपनी एक FIR दर्ज करवानी चाहिए है। देखो पंजाब पहला तो ये हरियाणा नाल अपने आप नूं कंपेयर करिए तो असी किते ना किते बहुत वड्डी मार खा रहे हैं। साडियां सारियां गेमां दियां पार्टिसिपेशन्स हुंदियां सी सारियां टीमां स्पोर्ट्स परसन पंजाब दे हुंदे सी जो अज हुण हरियाणा दे होण लग गए ने क्योंकि वह अपने खिडारियों की केयर कर रहे हैं उन्हां नूं बणदी रिकोगनेशन दे रहे ने उन्हां नूं बणदा उन्हां दी डाइट उन्हां दी हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। पंजाब दे विच साडे राणा सोढी जी बने ने स्पोर्ट्स मिनिस्टर वह अपनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनने तो बाद एक उपलब्धि दस दिन उन्होंने कोई उपलब्धि नहीं की हैगी है। हुण तक वह कोई भी वधिया तरीके गेम्स नूं उभारन दे विच कोई
ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ 'ਤੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 70-80% ਹਿਮਾਚਲੀ ਬੰਦਾ ਵਰਕਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਐਸ ਸੱਚ ਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁੜਗਾਉਂ ਨੋਇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ 'ਚ ਕਿਉਂ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕੋਈ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਕਸੈਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਕਲੀਅਰ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮੋਨੀਟਰਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ, ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਗਾਇਬ ਸੀਗੇ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।